हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार फिर ये नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, मतलब नई क्लास समझो ना, आज की हमारी नई क्लास है सीटी और पशु परीक्षा के लिए। आज राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है जो आपके सीटी और पशु परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है राजस्थान की, मतलब ज्योग्राफी में होने वाला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। यहाँ जो हमारा पहला टॉपिक है, और हम ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते आएंगे जो आपके सीटी और पशु परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, आपके सामने दिया हुआ कि क्षेत्रफल के अनुसार सही जिले का अवरोही क्रम कौन सा है। यानी आपके सामने क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिले हैं, ठीक है, तो इनके अनुसार अवरोही क्रम कौन सा है। यानी अवरोही क्रम में आपको इन तीनों जिलों को जमाना है, तो बताइए अवरोही क्रम कौन सा है। 2 मिनट सोच कर बताइए आराम से कि सभी जिले, आपके सामने 3 जिले दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है, वह है पहला आएगा जैसलमेर, फिर नागौर, फिर आएगा टोंक। तो इसमें अवरोही क्रम हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दो देखिए कि निम्न में से यहाँ पर थार आएगा, ठीक है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। यानी थार मरुस्थल है उसकी कौन से भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिम भाग। यानी सबसे कम समुद्रतम तल से ऊंचाई कौन से थार मरुस्थल की है, यानी थार मरुस्थल के कौन से भाग की है। तो वह है प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण भाग, ठीक है। यानी थार मरुस्थल का दक्षिण भाग है उसकी ऊंचाई है जो सबसे कम है समुद्र तल से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन कि झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है, बोराट पठार पर या मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर या चंबल बेसिन में। तो झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है, तो देखो झालावाड़ है प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती पठार में, हाड़ौती पठार में स्थित है झालावाड़। तीसरा ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ है जो हाड़ौती पठार में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, कौन सी चोटी या पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में स्थित है। यानी कौन सी चोटी या श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में स्थित है, नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। तो कौन सी चोटी या श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है वह है अचलगढ़। अचलगढ़ है जो दक्षिण अरावली में स्थित है। चौथा राइट आंसर हो जाएगा अचलगढ़ हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। आपके सामने 4 जिले दिए हुए हैं, ठीक है, तो कौन सा जिला है जो अपनी सीमा है पाकिस्तान के साथ साझा करता है, कोटा, जयपुर, अजमेर या बाड़मेर। तो कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है, तो इसका राइट आंसर है वह है बाड़मेर। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाड़मेर है जो अपनी सीमा जो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर छः, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। यानी कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, प्रधान मध्यान रेखा या मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत रेखा। तो कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सात कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के तहत आता है। यानी राजस्थान का कितना भौगोलिक क्षेत्र है जो पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है, 69% या 71% या 97% या 61%। तो कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है 61%। यानी 61%
मरुस्थल प्रदेश है जो पश्चिमी मरुस्थल के तहत आता है, ठीक है, यानी 61% भौगोलिक क्षेत्रफल है जो मरुस्थल के अंतर्गत आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है, श्रीगंगानगर या बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है, ठीक है, तो इसमें आएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर कि जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ स्पर्श करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है, यानी अरावली के शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है शेर रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़ रघुनाथगढ़ शेर तारागढ़। तीसरा ऑप्शन है शेर अचलगढ़ रघुनाथगढ़ तारागढ़। और हमारा डी ऑप्शन है कि पहला आएगा रघुनाथ, फिर शेर, फिर तारागढ़, फिर अचलगढ़। तो देखो ये अरावली का प्रमुख शिखर है, ठीक है, तो इन अरावली के प्रमुख शिखरों में ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है जो है वह है तीसरा, यानी पहला होगा सी है शेर, फिर दूसरा अचलगढ़, फिर बाद में रघुनाथगढ़, फिर आएगा तारागढ़। तीसरा ऑप्शन है जो उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, या लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, या अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, ठीक है, बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11, कि सही कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना आपको, ठीक है, यानी कूटों की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए इधर प्रदेश है और इधर पर्वत चोटी है, तो इसमें कौन सा मिलान चिन्ह हो जाएगा, तो देखिए उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली कौन सी है, तो उत्तरी अरावली भानगढ़ में, फिर बाद में मध्य अरावली हो जाएगी तारागढ़ में, और दक्षिण अरावली हो जाएगी ऋषिकेश में, ठीक है, तो ये हमारा मिलान हो गया। तो यहाँ पर हमारा मिलान हो गया, ठीक है, तो कोट में चले, तो कोट में हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 60 डिग्री 19 मिनट, या 7 डिग्री 4 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, या 7 डिग्री 27 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट है राजस्थान का अक्षांश विस्तार, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि दक्षिण पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ के दक्षिण क्षेत्र को 56 मैदान कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि भरतपुर जिले के एक तिहाई क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को गग्गर का मैदान कहा जाता है। तो बताइए कौन सा कथन है जो सही है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों केवल क और ग कथन है जो सही है, ठीक है, यानी केवल क और हमारा ग कथन है जो सही है, ख है जो कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मैसा का पट्टा कौन से जिले में, बताना आपको कि मैसा का पट्टा कौन से जिले में, तो प्यारे विद्यार्थियों चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो मैसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है मैसा का पठार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है,
यानी कौन से जिले की सीमा है जो पाली जिले से नहीं लगती है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा है जो पाली जिले से नहीं लगती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कि अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है, यानी अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है जिसे हवाई दूरी भी कहते हैं? जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर या जयपुर उदयपुर। तो अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो वह है जयपुर उदयपुर। चौथा राइट आंसर है जयपुर उदयपुर है जो अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है, यानी जिस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो वह है प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर। जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 वृत्त सीमा भ्रंश राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है, यानी वृत्त सीमा भ्रंश है जो राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में या उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में। तो वृत्त सीमा भ्रंश है जो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो यह है प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण पूर्वी भाग में। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग में वृत्त सीमा भ्रंश स्थित है। आप लोग देखो प्रश्न, आप लोग प्रश्न है कहीं कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई किस जिले में एक दूसरे को काटती है, यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, यानी जैसे कि ये राजस्थान है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये मध्यवर्ती बिंदु है। तो ये कौन से जिले में ये दोनों रेखाएं काटती है? जयपुर, नागौर, अजमेर या पाली। तो ये प्यारे विद्यार्थियों नागौर में काटती है, यानी नागौर में ये दोनों सीमाएं काटती है आपस में, ठीक है। और नागौर में गांव है लामपोलाइट, ठीक है, ये मेहरता के पास है, यहाँ पर ये दोनों सीमाएं काटती हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये दोनों सीमाएं नागौर जिले में काटती है, तहसील मेहरता और गांव हो गए हमारा लामपोलाइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया, यानी कौन सा स्मारक है जो 2010 में विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया? हवा महल जयपुर, वेधशाला जंतर मंतर जयपुर, कुंभलगढ़ में या मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो 2010 में विश्व धरोहर में कौन सा सम्मिलित किया गया? तो वह किया गया प्यारे विद्यार्थियों वेधशाला जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो कौन सा शहर है जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तो कौन सा शहर था? तो वह था प्यारे विद्यार्थियों अजमेर था, ठीक है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर है जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 राज्य के वर्तमान शहर या क्षेत्र व पूर्व में प्रचलित नामों में कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है कि अजमेर है जिसे अजमेर कहते थे, सांबर व आसपास के क्षेत्र को सप्पादलक्ष कहते थे, चूरू शिखर व झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी और अलवर राज्य का उत्तरी भाग को मान। तो कौन सा है जो गलत है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों कि अलवर राज्य के उत्तरी भाग को मांड कहते थे। तो ये हमारा कथन है जो गलत है। तो मांड है जो जैसलमेर के भागों को कहते थे, ठीक है, जैसलमेर के क्षेत्र को मांड कहते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो देखो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की पूल है तो वह है 826 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूर्व से पश्चिम की पूल है तो वह 869 किलोमीटर। हाँ तो समझ में आ गए, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो घंटियों के शहर के नाम से प्यारे विद्यार्थियों झालरापाटन जाना जाता है, झालरापाटन जाना जाता है घंटियों के शहर के नाम से, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है कि आबूर दे सिरोही व आबू क्षेत्र, मेवात अलवर के आसपास का क्षेत्र, गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, तो वह है प्यारे विद्यार्थियों गिरवा है जो बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र। तो तीसरा हमारा गलत है, ये कथन है जो सही नहीं है। गिरवा है जो उदयपुर के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, उदयपुर जिले के क्षेत्र को कहते हैं गिरवा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं। तो ये बचपन से क्वेश्चन आपको बताया होगा, राजस्थान के लौह पुरुष है जो दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगर भारत के लौह पुरुष के बारे में बात कर ले तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राजस्थान के लौह पुरुष बोल ले तो दामोदर लाल व्यास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, डूंगरपुर पूरी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। यानी डूंगरपुर पूरी सिरोही व उदयपुर इन जिले के पर्वतीय क्षेत्र है, उन्हें आदिवासी क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, बोमट थली माल या बोरट। तो उनको प्यारे विद्यार्थियों बोमट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र है उनको बोमट के नाम से जानते हैं। बट अगले प्रश्न की ओर, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सांचौर क्षेत्र को प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पंजाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पूरे क्वेश्चन में पूरे एग्जामिनर कि राजस्थान के पंजाब के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है सांचौर। बट अगले प्रश्न की ओर, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर है जो प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी के नाम से, स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर प्रसिद्ध है, और सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना है। जैसलमेर है जो स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जैसलमेर की पत्थरों पर पड़ता है तो जैसलमेर के पत्थर जो चमकने लगते हैं, तो इसलिए उन्हें स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका फाइनल, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो धौलपुर को प्राचीन समय में कोटी के नाम से जानते थे, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे राजस्थान ज्योग्राफी के, जो आपके सीईटी और फर्स्ट परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले थे। और कैसी लगी क्लास, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहें टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करी हो तो जाकर ज्वाइन भी कर देना टेलीग्राम, ताकि आप नई जो भी गवर्नमेंट जॉब नई नोटिफिकेशन आवे तो बिना नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम टेलीग्राम पर मिल जाए। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर ज्वाइन कीजिए। मिलता है आपने एक नई क्लास रहते हैं बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।